आलिया भट्ट का 2024 चुनौतियों, विविधता और नए मील के पत्थर का साल। 2024 में आलिया भट्ट ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अपने अभिनय कौशल और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर आलिया ने साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड की सबसे साहसी और सक्षम अभिनेत्रियों में से एक है। इस साल उन्होंने अपनी काबिलियत से हर किसी को चौंका दिया, चाहे वो होम प्रोडक्शन जिगरा हो या संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर। आइए नजर डालते हैं 2024 में आलिया की इस प्रेरणादायक यात्रा पर। साल की शुरुआत आलिया की फिल्म जिगरा से हुई, जो एक एक्शन थ्रिलर है और जिसमें उन्होंने एक बहादुर बहन का किरदार निभाया है, जो अपने भाई को मौत की सजा से बचाने के मिशन पर है। वसंत बाला द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलिया भट्ट ने खुद अपने बैनर इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस भी किया। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और शुरुआती कलेक्शन 4.55 करोड़ का रहा, लेकिन आलिया के दमदार अभिनय और भावनात्मक गहराई ने हर किसी को प्रभावित किया। आलिया ने इस फिल्म के लिए कई एक्शन सीक्वेंस भी किए और एक नई माँ के रूप में अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर इस भूमिका में गहराई जोड़ी। जिगरा के बाद आलिया ने लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू की, जो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक प्रेम त्रिकोण है। इस फिल्म में आलिया अपने पति रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ दिखाई देंगी। आलिया इस फिल्म में एक जैज सिंगर का किरदार निभा रही हैं और भंसाली की फिल्म में काम करना उनके लिए एक और खास मौका है। फिल्म 2025 के अंत में रिलीज होगी और दर्शकों के बीच अभी से चर्चा में है। इस किरदार के साथ आलिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो किसी भी भूमिका को गहराई और जुनून के साथ निभा सकती हैं। आलिया ने इस साल अपने फैंस को जीले जरा और ब्रह्मास्त्र 2 की घोषणा से और भी उत्साहित कर दिया। जीले जरा, जो एक रोड ट्रिप फिल्म है, में आलिया के साथ प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी। फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित ये फिल्म महिला मित्रता और व्यक्तिगत विकास को दर्शाती है। इसके अलावा आलिया जल्द ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव में ईशा के किरदार में वापसी करेंगी, जिससे फैंस 2026 में एक नई जादुई कहानी देखने के लिए उत्साहित हैं। 2024 में आलिया ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनकी मेट गाला में शानदार उपस्थिति और टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने से उन्होंने ग्लोबल आइकॉन के रूप में अपनी छवि को और मजबूत किया। उनके फैशन ब्रांड एड ममा के जरिए वो पर्यावरण स्थिरता को भी बढ़ावा दे रही हैं। एक नई माँ के रूप में आलिया अपने अभिनय करियर और पारिवारिक जीवन को बखूबी संतुलित कर रही हैं। अपने पति रणबीर कपूर के साथ वो अपने किरदारों और स्क्रिप्ट्स पर चर्चा करती हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जिगरा जैसी फिल्मों में उनकी भावनात्मक गहराई उनके इस संतुलन का प्रमाण है। ये संतुलन आलिया को एक समर्पित कलाकार और प्रेरणादायक माँ के रूप में दर्शाता है। 2024 आलिया भट्ट के लिए चुनौतियों, जोखिमों और नए मुकाम का साल रहा है। उनकी फिल्मों जिगरा से लेकर लव एंड वॉर तक आलिया ने साबित कर दिया कि वो हर प्रकार की भूमिका को आत्मविश्वास और जुनून के साथ निभाने में सक्षम है। 2024 में आलिया ने न केवल अपने अभिनय कौशल से बल्कि एक निर्माता और ग्लोबल आइकॉन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी यात्रा के ये नए अध्याय हमें दिखाते हैं कि आलिया का सफर यहाँ नहीं रुकता, बल्कि उनकी कहानी में और भी कई रोमांचक मोड़ आने बाकी हैं।